हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरसी सर की क्लास। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आपने बोला होगा, जैसे वह मुझे भड़का रहा है या आजकल लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कुछ इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आइए इसके रूल को समझते हैं। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भड़काना या उकसाना, इसके लिए प्रोवोक का इस्तेमाल करते हैं। प्रोवोक जो होता है वो मेन वर्ब होता है। आइए इसके रूल को समझते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, इसके बाद प्रोवोक, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होंगे उसको लिख दिया जाएगा। प्रोवोक मेन वर्ब है तो वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ असामाजिक तत्व भीड़ को भड़का रहे थे, या पास्ट कंटिन्यूअस है। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स वर प्रोवोकिंग द क्राउड, भड़काओ मत उसे, डोंट प्रोवोक हिम, वह उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी। सी वॉज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, लोगों को भड़काया जा रहा है। या पैसिव का सेंटेंस है, द पीपल आर बीइंग प्रोवोक्ड, हमें लोगों को सरकार के प्रति भड़काना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट प्रोवोक पीपल टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। एक सेंटेंस आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। आपने उसे क्यों भड़काया? आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और फ्यूचर में आप कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस को गलत नहीं बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।